हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको इम्बोटी की हाई स्पीड मशीन की स्पीड इस सेटिंग से कैसे घटाते हैं और कैसे बढ़ाते हैं। इसको आप इसके बारे में आपको सब मैं विस्तार से बताऊंगा कि कैसे स्पीड बढ़ाना है और कैसे घटाना है अंदर से सेटिंग से। अभी आपको देखो यहाँ पे पूरे कंप्यूटर में बटन दिख रहे हैं, यहाँ पे उधर भी दिखा, वहाँ पे भी देख लो ये सब बटन दिख रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पंजा का बटन दिख रहा होगा, यहाँ कोने पे एक पंजा वाला बटन है आपके कंप्यूटर में, हो सकता है उधर हो या इधर हो, लेकिन देखना आपको यही वाला बटन है, ये बटन आपको दिख रहा है, इसको आपको दबा देना है। ये दबाया उसके बाद आपको यहाँ सात नंबर पे दिख रहा होगा मशीन पारम सेट, इस पर आपको सात नंबर से भी आ सकते हैं डायरेक्ट, या आप ऊपर नीचे का बटन से भी सात नंबर पे आ सकते हैं। यहाँ सात नंबर पे आने के बाद आपको यहाँ इंटर मार देना है। इंटर मारोगे तो यहाँ आपके बहुत से ऑप्शन खुलेंगे, तो आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं बहुत से, इधर ये सीक्वेंस के बारे में ही बता रहा है, यहाँ पे आपका बहुत चीज़ों के बारे में बताएगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको स्पीड से मतलब है। तो आपको ये पहले देखो मेन से पैरामीटर दिख रहा है, यहाँ ये चार नंबर पे तो आप डायरेक्ट यहाँ चार नंबर से भी आ सकते हैं, या फिर ऊपर नीचे से भी अपना चार नंबर पे आ सकते हैं। चार नंबर पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ इंटर दबा देना है। ठीक है दोस्तों, इंटर दबाया उसके बाद देखो आपको यहाँ स्पीड दिख रही होगी 1050 दिख रही है, तो इसको आप हमें अभी कम करना है, 1000 पे चलाना है, तो यहाँ पे इंटर दबाना है। इंटर दबाने के बाद यहाँ पे आपको एक 1050 दिख रहा होगा, 1050 से फिर इंटर यहाँ पे मारना है। इंटर का बटन ले रहा, इंटर मारा उसके बाद यहाँ आपका ऊपर नीचे वाला जो फ्रेम होता है इससे आप स्पीड कम कर सकते हैं, तो इसको 1050 पे कर दिया। 1050 करने के बाद फिर इंटर मारा, इंटर मार दिया उसके बाद आपका सब डिजाइन का जो नॉन नीडल है सबका 1000 हो गया, इसके लिए आपको करना पड़ेगा अलग अलग सेटिंग करना है। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट वाला बटन दिख रहा है, इसको दबा देना है और इंटर दबा देना है। तो अभी आप जितना डालोगे उतना ही इसमें रहेगा, अभी इसमें 1000 दिख रहा है, आपको डालना है 900, तो यहाँ से आप ऊपर नीचे वाले बटन से 900 कर दिया, 850 कर दिया, 850 पे इंटर मार दिया। उसके बाद अभी इसमें डाल सकते हैं हम 900 डालना है, 900 डाल दिया उसके बाद फिर यहाँ पे इंटर मार दिया उसके बाद यहाँ 1000 हो गया, फिर 1000 को इस पर भी अपनों जितना डालना हो 950 950 डाल दिया मैं, 900 डाल दिया। उसके बाद यहाँ जंप स्पीड फिर इसमें सब नीडल में ऐसे ही, किसी में 850, किसी में 900, किसी में 950, जैसा आपका मन करे ऐसे डाल लेना है। डालने के बाद यहाँ आपको लास्ट वाली नीडलों में सीक्वेंस होगा आपका, सीक्वेंस को आपको चलाना है 800 पे एकदम बराबर चलेगी मशीन, तो यहाँ पर आपको 800 कर लेना है, फिर इंटर दबा देना है। इंटर दबाने के बाद आपकी नॉन नीडल का देखो सबका सेटिंग हो गया है एकदम बराबर, ऊपर कोडिंग चलेगी 1000 पे, बाकी ये जंप वाली है कोई 850।